हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत इन सुंदर सुंदर मेरे डहेलिया के फ्लावर से। और ये देखिए मेरे डहेलिया के फ्लावरों का साइज कितना बड़ा है और कितने सुंदर खिला हुआ है, कितना हेल्दी है। और ये सारा कमाल है मेरे वेस्ट मटेरियल का, जो हमारे किचन से वेस्ट निकलता है और उसे मैं हर 15 दिन में अपने फ्लावर्स में डालती रहती हूँ। तो देखिए इनका साइज कितना बड़ा है और प्लांट्स भी हेल्दी है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं ये फ्लावर खिले हुए, और कितनी सारी अभी बर्ड्स बने हुए हैं। ये देखिए प्लांट्स हेल्दी, और साथ में गुलाब पे भी फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे इस वाले एरिया पे मेरे बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती है। तो देखिए यहाँ पे प्लांट्स अभी बहुत छोटे छोटे हैं, और ये मैंने अपने पूरे सीडलिंग से तैयार किए हुए प्लांट्स हैं। देखिए यहाँ पे ये छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं, ये है सकुलेंट प्लांट, और ये जो छोटे छोटे ये अभी प्लांट्स हैं, तो ये मैंने पूरे सीड से ग्रो किए हैं। और यहाँ पे डहेलिया, ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया है, और ये अभी बहुत छोटे हैं। अब यहाँ पे हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हो गई है। और यहाँ पे देखिए हमारे गढ़वाल का सबसे फेमस फ्लावर है, इसे कहते हैं पियोली, और ये बसंत ऋतु में खिलता है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है। जब इसे फ्लावर खिलने शुरू होते हैं तो ये पूरा फ्लावर से भरा हुआ होता है, और देखिए इसके पूरी जड़ से फ्लावर निकले हुए हैं, और इसके हर पत्ते पत्ते पर फ्लावर है। और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, येलो कलर का फ्लावर है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ही अपने गार्डन में इसे ग्रो कीजिएगा, ये कटिंग से इजीली तैयार हो जाता है, और काफ़ी खूबसूरत प्लांट है ये। और साथ में है मेरी ये जंगली चेरी, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा प्लांट्स लगा, और इसके मैं काफ़ी प्लांट्स बना चुकी हूँ। ये जब इसकी ये बर्ड्स खाने आते हैं इन फलों को, तो अच्छा लगता है। और ये है इसका मदर प्लांट, इसी से मैंने काफ़ी तैयार किए हुए हैं प्लांट, और ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। नए मेरी वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बाय दोस्तों।